মানে নোটিশ আইসাল বললে নোটিশের থেকে বলে কেস খারাপ হয়েছে হেন থেকে নোটিশ ডি এলো ডিওর পরে পরে নোটিশ আইলো নোটিশ আর থেকে কেস করলাম বারপেটা বারপেটার থেকে কেস নোটিশ যে কত জন আইছে ওইটা স্যার আমার খেয়াল নেই অনুমান ছয় সাত বছর হবে পরে বরফটা কেস করলাম কেস করার পরে কাগজপাতি মানে যে হিসমকে ঠিক করে দিয়া আর সালা টাইম মতন দিয়া আর সালা দেখি কেস খারাপ হইল কেরালা মে কোম্পানি কাম করতে হয় প্লাইবোর্ড কোম্পানি মে কাম করতে হয় তো কিতনে পয়সা মিলতে হয় कम से कम 10,000 सैलरी मिलता है 10,000 सैलरी हां वो घर बेच देते हैं हां घर वगैरह पूरा फैमिली चलता है केस भी चलता है इसी में केस हां हमारे आपकी 18 होगा 18 हां चार बहन है एक भाई है मैं भी है पर अब कागज पत्र रेडी कोई रहा तब से गुवाहाटी हाई कोर्ट कर लाम हाई कोर्ट कराते उकिल दिलो चेरा बेरा बजाइया भाभी डॉक्यूमेंट्स दन ना के भाभी डॉक्यूमेंट्स दिया असल किंतु मार दे दिस मार दे तू न जो मैंने निलो ना নামাইনে নেওয়াতে পরে উকিলে কইল যে তুমি সেভ হয়ে থাই করতো মানে সেভ হয়ে থাকা তো বরবেটা গেল বরবেটা থেকে সে থেকে ফোন করছাল ফোনের থেকে পরে হে আই গিয়ে গেছে মানে যে তার আটকে হেলাই দিছে নাম আসমিনা খাতুন কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস 9 এ ক্লাস 9 হাউলি গার্লস হাই স্কুল কতদিন স্কুল যাচ্ছো 3 বছর ধরে কেন স্কুল যাচ্ছো না খরচপাতি নাই কারণে খাওয়া দাওয়া ভালো দেয় না তারপরে কয়ল চাল ভালো না ধোয় না ভালো এলে পরে দুঃখ লাগে কুড়মুড়ো হয়ে থাকে इनका अपना कोई जमीन नहीं है तो ये कैसे जीते हैं ये दूसरा किसी के घर में काम करते हैं और उससे जो भी अर्निंग होता है उससे चलते हैं ये अपना जमीन नहीं है कोई खेत भी नहीं है दूसरा किसी के जगह कभी एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं और हम कोई जना है ना है ना कि निगाह है ना पर इतिमध्ये फोन आइसे मोबाइल ले पर फुल्लाम जे আমাদের যে আটকাইছে পরে এই এমনি এমনি করতে করতে পরে এই গেল যাওয়ার পরে দেখা যে না ঠিক সদর থানা এনে আটকে রাখছে পরে তার বাদের দিনকে আমি গেলাম দেখ পান নিকে পরে দেখার পরে হিন্দিকে 8টা বাজে তার গোয়ালপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে গেছে পরে অহন কেস চলছে হাইকোর্টে চলে কেস কেস আসাল গোয়াটি পরে হিন্দিকে আবার সুপ্রিম কোর্টে কেস গেছে আব ইয়াহা পে এক বহুত इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डी वोटर के कैटेगरी में अगर किसी का नाम आता है इसका मतलब वो नहीं है कि डी वोटर जो डाउटफुल वोटर कैटेगरी है इट इज़ नॉट समथिंग इट मेक्स अ पर्सन फॉरेनर डी वोटर जस्ट मीन्स दैट द अथॉरिटीज़ हैव डाउट एंड ऑन हिम बीइंग एन इंडियन सो दे पुट समवन इन डी वोटर कैटेगरी और उनको कहा जाता है कि आप रिलेवेंट पेपर्स लेके आइए बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर होता है और आप साबित कीजिए कि आप इंडियन नेशनल हैं तो डी वोटर जस्ट एक डाउट है और आप डाउट के बेसिस पे किसी को डिटेंशन कैंप में डाल दे रहे हैं इनह्यूमन कंडीशन में जीने के लिए डिटेंशन कैंप अगेन फुल फ्लेजेड जेल नहीं है टेक्निकली दैट इज नॉट जेल बट जेल से बुरी हालत है डिटेंशन सेंटर की इसलिए कि जेल में प्रिजनर्स को प्रिजनर्स राइट होते हैं डिटेंशन सेंटर में वो डिक्लेयर्ड प्रिजनर नहीं है इसलिए प्रिजनर्स राइट भी नहीं है